हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी एजुकेटर श्रेया शर्मा वेलकम करती हूँ आप सभी का न्यूटन मेंडल क्लासेस में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर और कैसे एक वेव ऑफ कॉन्ट्रेक्शन जनरेट होती है हार्ट में, और वहाँ हमारे पास जो साउंड्स प्रोड्यूस हो रही थी लप एंड डब साउंड, जिसे हम हार्ट बीट बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि SA नोड प्रेजेंट होती है, वो SA नोड वेव ऑफ कॉन्ट्रेक्शन को जनरेट करती है, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, पेस मेकर बोल रहे थे। उसके बाद वहां पर AV नोड था, AV नोड क्या कर रहा था, वो जो वेव ऑफ कॉन्ट्रेक्शन जनरेट की गई थी SA नोड के थ्रू उसको कलेक्ट कर रहा था, और वहां पर उस वेव ऑफ कॉन्ट्रेक्शन को आगे पास आउट कर रहा था। लेकिन आगे पास आउट यानी कि बंडल ऑफ हिस और जो परकिंजे फाइबर्स थे वहां तक पास आउट करने से पहले उसे वो कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिली सेकंड्स के लिए अपने पास में रोक के रखता है, क्यों, ताकि वो सेटिंग कर सके। इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, पेस सेटर बोलते हैं। अब वो क्या सेट करता है कि जो हमारे ऑलिक्यूल्स हैं वो इजिली कॉन्ट्रेक्ट कर जाए फर्स्ट, उसके बाद में हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रेक्ट करना स्टार्ट करें, ठीक है। तो ये हमने लोगों ने देख लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ न्यू टॉपिक्स, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं हमारे इस चैप्टर के अंदर। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ब्लड प्रेशर। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं ब्लड प्रेशर। देखो ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है वो ब्लड क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है किसी के अगेंस्ट में। अब वो किसके अगेंस्ट में प्रेशर लगाएगा, ब्लड किस में फ्लो करता है, ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। तो ब्लड वेसल्स के अगेंस्ट में ब्लड जो फ्लो करते टाइम प्रेशर लगा रहा है उस वेसल्स की वॉल के ऊपर, उसे हम क्या बोलेंगे, ब्लड प्रेशर बोलेंगे। अब देखो जो हमारे ब्लड का प्रेशर है वो चेंज करेगा, कैसे चेंज करेगा, जैसे हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जब हमारे, देखो ये हमारा हार्ट है वही, ठीक है, ये हार्ट क्या करेगा, यहाँ पर वेंट्रिकल्स है, जब ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इनके कॉन्ट्रेक्शन से ब्लड कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरीज में एंड अरोटा में जाता है, ठीक है। तो जैसे ही ब्लड यहाँ जाएगा तो ब्लड क्या करेगा, उस वेसल के ऊपर प्रेशर लगाएगा, ठीक है, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करें उस टाइम पर। और जैसे ही हमारे वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं उस टाइम पर भी हमारा ब्लड क्या करता है, एक प्रेशर लगाता है किसके ऊपर, ब्लड वेसल्स पे। एक तो बहुत ही हम, जैसे हम ट्यूब है, ठीक है, किसी ट्यूब के अंदर क्या करें, वाटर जा रहा है, मोटर हमने स्टार्ट कर दी, तो मोटर स्टार्ट करने से वो वाटर क्या करेगा, हाई प्रेशर के साथ में जाएगा, तो वो जो ट्यूब है वहां पर ज्यादा प्रेशर लगेगा। और सडनली हमने क्या किया, वहां पर जो मोटर थी उसको, वाटर मोटर को बंद कर दिया, तो जैसे ही मोटर बंद होगी तो दोबारा से क्या करेगा, वहां पर वो ट्यूब के ऊपर प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है। तो हमें जो वेसल्स है जो हमारी, उसी के में क्या होगा, जैसे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रेक्शन पे एक प्रेशर जनरेट होगा, और जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे तब भी एक प्रेशर जनरेट होगा। हमारे वेंट्रिकल्स क्या है, मोटर है, मोटर ने क्या किया, स्टार्ट कर दिया प्रेशर लगाना, प्रेशर लगेगा तो वेसल्स के ऊपर लगेगा। जैसे ही मोटर बंद की, यानी कि जो हमारे वेंट्रिकल्स थे वो रिलैक्स कर रहे थे, उस टाइम पर हमारी ट्यूब के ऊपर यानी कि ब्लड वेसल्स पे क्या कर रहे हैं, कुछ प्रेशर लग रहे हैं। तो हमारे पास में दो टाइप के प्रेशर्स आते हैं, एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर। तो जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर है, ये प्रेशर किस वजह से है, जब हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सिस्टोल की कंडीशन में जा रहे हैं, तब ब्लड वेसल्स के ऊपर ब्लड की वजह से जो प्रेशर लग रहा है उसे हम बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर। और जब हमारे वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं, रिलैक्स स्टेट में यानी कि डायस्टोल की रिलैक्स स्टेट के अंदर जा रहे हैं, तब हमारे ब्लड वेसल्स के ऊपर जो प्रेशर लगेगा उसे हम क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। तो जो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होता है एक नॉर्मल ह्यूमन बींग का, वो 120 mm ऑफ HG होता है, ठीक है। जितने भी प्रेशर्स होते हैं उनको हम मर्करी के प्रेशर से कंपेयर करते हैं, तो जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो ब्लड वेसल्स का किसी नॉर्मल इंडिविजुअल का कितना होता है, 120 mm ऑफ HG होता है। और अगर हम डायस्टोलिक प्रेशर की बात करें तो वो कितना होता है, 80 mm ऑफ HG। सिस्टोलिक प्रेशर है 120 mm HG, डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 mm ऑफ HG, ठीक है। तो जो हमारा प्रेशर है, इस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, इस प्रेशर को मेजर करने के लिए, मेजर करने के लिए हमारे पास में एक मीटर होता है, उस मीटर को हम बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। स्फिग्मोमैनोमीटर क्या करता है, जो भी हमारा ब्लड प्रेशर है उस ब्लड प्रेशर को मेजर करने का काम करता है। 120 mm ऑफ HG यानी कि हमारा सिस्टोलिक प्रेशर, और 80 mm ऑफ HG हमारा कि डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। तो इस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, मेजर करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। इसमें क्या किया जाता है, हमारी जो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स में यहाँ पर जो हमारी वेसल्स होती है, यहाँ पर एक प्रेशर की मशीन लगाई जाती है, ठीक है। और साथ में उसी के साथ में क्या होगा, एक पंप होगा, पंप से हम क्या करते हैं, एयर जनरेट करते हैं, ठीक है। और
उसके बाद जो हमारा मीटर होगा वो मीटर क्या करेगा, जो रीडिंग है उसको काउंट करेगा। तो ये हमारा स्फिग्मोमैनोमीटर हो गया जो क्या कर रहा है, ब्लड प्रेशर को मेजर कर रहा है। अब जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर्स होते हैं उन ब्लड प्रेशर्स के अलावा भी कुछ वैल्यूज हो सकती है ब्लड प्रेशर की। अगर ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे हाइपर ब्लड प्रेशर, ठीक है, या फिर हाई ब्लड प्रेशर, या फिर इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। ठीक है, जब जो ब्लड का प्रेशर है वो हाई हो चुका है वेसल्स के अंदर, नॉर्मल जो प्रेशर हमारे पास है उसके कंपेयर में, तो हम उसे क्या बोलेंगे, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई बीपी है, ठीक है, हाइपरटेंशन बोल सकते हैं। ये वैल्यू हाई है इसका मतलब क्या, 120 mmHg। जो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर था ये कितना है, सिस्टोलिक प्रेशर इससे ज्यादा है, हम मान सकते हैं 140, 160, 190 कितना भी हो सकता है, ठीक है। और जो डायस्टोलिक प्रेशर था वो भी 80 mmHg ना लेके कितना हो जाएगा, इस 80 mm से ज्यादा हो जाएगा। तो कितना हो सकता है यहाँ पर भाई, हम 100 मान सकते हैं, 100 mmHg। तो ये क्या है हमारे पास में, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन का मतलब क्या है, जो किसी भी पर्सन का, इंडिविजुअल का नॉर्मल एवरेज जो ये होता है प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर, उससे अगर ज्यादा वैल्यू मेजर कर रहा है हमारा स्फिग्मोमैनोमीटर, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि इस पर्सन का जो प्रेशर है वो हाई है, हाई बीपी से ये सफर कर रहा है, हाइपरटेंशन है इसको, ठीक है। अच्छा, अगर यही वैल्यू लोअर डाउन हो जाती है, तो लोअर डाउन हो जाएगी तो हम क्या बोलेंगे, लो बीपी है, लो ब्लड प्रेशर, उसको हम क्या बोलेंगे, लो ब्लड प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। और लो ब्लड प्रेशर है, इसी चीज को हम दोबारा क्या बोल सकते हैं, हाइपोटेंशन भी यूज कर सकते हैं इसके लिए, हम इसे हम क्या बोल सकते हैं, हाइपोटेंशन। अब इसमें लो करना है यानी 120 mmHg और 80 mmHg जो हमारी एवरेज वैल्यू थी, इन एवरेज वैल्यू से कम लेके चलना। एवरेज वैल्यू से कम कितना हो जाएगा भाई, सिस्टोलिक हम मान लेते हैं 100 mmHg तक चला गया, या फिर 80 mm तक चला गया। ऐसे ही जो हमारा डायस्टोलिक प्रेशर है, ये डायस्टोलिक प्रेशर भी कम हो जाएगा, मैं मान के चलती हूँ कि ये 60 mmHg हो गया, ठीक है। ये जो हमारे पास में है ये कैसा प्रेशर बना दिया मैंने, यहाँ पर लो ब्लड प्रेशर है, जबकि जो मैंने 140 और 100 लिया ये क्या है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई बीपी है, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये इनके डिफेक्ट, इन डिफेक्ट्स की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर है या लो ब्लड प्रेशर है, इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा हार्ट है वो ब्लड को इजीली पंप नहीं कर पा रहा है, उसी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर के कारण हमारे हार्ट्स के अंदर डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में हो गया ब्लड प्रेशर के बारे में। अब हमारे पास एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं पल्स रेट। पल्स रेट, देखो हमारा जो हार्ट होता है वो 1 मिनट के अंदर 72 टाइम्स बीट करता है, लबडब जो साउंड होती है वो प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है, 1 मिनट के अंदर 72 टाइम। लेकिन अगर इसी चीज को हम हमारी जो रेडियल आर्टरीज होती है, रेडियल आर्टरीज कौन सी होती है, जो हमारे यहाँ प्रेजेंट होती है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, रेडियल आर्टरीज बोलते हैं। इन रेडियल आर्टरीज के ऊपर जब आप ऐसे फिंगर प्लेस करेंगे तो आपको कुछ महसूस होगा, ठीक है, यही क्या है, हमारी पल्स रेट होती है, ठीक है। डॉक्टर्स क्या करते हैं, नॉर्मली पल्स रेट चेक करने के लिए इस पोर्शन के ऊपर अपनी फिंगर्स को प्लेस करते हैं एंड देन वो पल्स रेट को चेक कर लेते हैं, ठीक है। कभी भी पल्स रेट चेक करते टाइम हम इस थंब से पल्स रेट को चेक नहीं करते, क्योंकि थंब की अपनी एक अलग पल्स होती है, हमेशा फिंगर्स से इसे चेक किया जाता है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, पल्स रेट बोलेंगे। अब पल्स रेट से हमें क्या पता चलता है कि ह्यूमन का हार्ट जो है वो 1 मिनट के अंदर कितने टाइम बीट कर रहा है, वही हार्ट बीट का काउंट को हम क्या बोलेंगे, पल्स रेट बोलेंगे, ठीक है। हार्ट बीट के लिए देखो, जैसे मैंने प्रेशर के लिए बताया, प्रेशर मेजर करने के लिए जो मशीन है, इंस्ट्रूमेंट है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। ऐसे ही जो हार्ट बीट है, उस हार्ट बीट को साउंड करने के लिए, सुनने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसे हम बोलते हैं स्टेथोस्कोप। इसे हम क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप बोलते हैं। तो हमारे पास में दो इंस्ट्रूमेंट है, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप क्या करता है, हार्ट बीट को मेजर करता है, जबकि जो हमारा स्फिग्मोमैनोमीटर है, ये स्फिग्मोमैनोमीटर क्या करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। अब हमारे पास में एक नेक्स्ट टॉपिक आता है जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। देखो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक इंस्ट्रूमेंट होता है, और सॉरी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, एक जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलेंगे, और जो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करेंगे उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं ईसीजी के बारे में। अब हमारे पास में है ईसीजी। ईसीजी क्या होता है, ईसीजी की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। देखो जब हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ वर्ड यूज करें तो ग्राफ क्या है, कोई ग्राफ ना हो कि एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। और जब हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यूज कर रहे हैं,
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है, हमारे पास में एक ग्राफ है। ग्राफ क्या है, जैसे कि हम मूवीज में देखते हैं, मूवीज में क्या होता है, कोई पर्सन जो कहाँ है वेंटिलेटर के ऊपर सफर कर रहा है, तो वेंटिलेटर के ऊपर सर्वाइव कर रहा है, तो वहां पर क्या होता है, एक वेव चलती है, इस तरीके की कुछ वेव चलती है, हमने सबने मूवीज में देखा होगा। ठीक है, तो देखो ये जो वेव है ये क्या है, कंटिन्यू चलती रहती है इसी तरीके से। लेकिन कुछ पर्सन के अंदर जब बोलते हैं कि हाँ वह पर्सन डेड हो चुका है, तब क्या होगा, ये जो वेव है ये वेव कैसे आ जाती है, स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी वेव को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रो इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी एंड कार्डियो इज रिलेटेड टू हार्ट। तो हार्ट के लिए हम हार्ट की जो चेकिंग चल रही है, हार्ट जो बीट कर रहा है उसको चेक करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोड्स का वहां पर यूज किया जाता है, इसीलिए हम इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, जबकि जो हमारे पास में ग्राफ आता है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। तो इसमें हमारे पास में डिफरेंट टाइप के पॉइंट्स हैं। ठीक है, अगर हम एक वेव की बात करें तो एक वेव सिर्फ इतनी सी होती है हमारी, कितनी, देखो ये हमारे पास में एक वेव है, ये हमारे पास एक वेव होती है। ठीक है, अब ये वेव कैसी है, देखो ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं पी वेव, ये हमारे पास में है क्यू आर एंड एस वेव, एंड दिस वन इज टी वेव। तो ये जो पी क्यू आर एस टी हमारे पास वेव दिखाई दे रही है, तो उसमें आपको दिख रहा होगा क्यू एस और आर जो है, क्यू आर एंड एस, ये जो तीन पॉइंट्स है, ये तीनों पॉइंट्स कैसे है, पॉइंटेड एंड बनाए हुए हैं, जबकि हमारा पी और टी कैसे होते हैं, ब्लंट एंड्स होते हैं, ब्लंट वेव होती है। ठीक है, ये कैसी होती है, ब्लंट वेव है, और पी क्यू आर और एस ये कैसी होती है, हमारी नॉर्मल पॉइंटेड वेव होती है। अब हमें ये क्या रिप्रेजेंट करती है, देखो इस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से नीट के अंदर हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो पी क्यू क्यू आर एस एंड एस पी। ठीक है, हमारे पास में डिफरेंट टाइप के इंटरवल्स बन रहे हैं, पी से क्यू का इंटरवल, क्यू आर एस इंटरवल, एंड देन एस से टी का इंटरवल। ठीक है, तो ये इंटरवल्स किस वजह से बनते हैं, जो हमारी पी वेव होती है, ये पी वेव क्या करती है, जब हमारे ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं यानी कि वहां पर एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, वेव ऑफ कॉन्ट्रेक्शन जनरेट हो रही है, इसी वजह से हमारे ऑरिकल्स कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ऑरिकुलर सिस्टोल को या हम बोल सकते हैं, जब हमारे ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करें, डीपोलराइज करें, तो उस चीज को जो डिनोट करता है वो कौन सी है, हमारी पी वेव। पी वेव हमारी क्या डिनोट करती है, ऑरिकुलर सिस्टोल बोल सकते हैं हम यहाँ पर, ऑरिकुलर सिस्टोल, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, वेव ऑफ कॉन्ट्रेक्शन यहाँ आई है ना, यानी कि यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है, इसका मतलब इसे बोलते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल्स, या फिर हम इसे बोल सकते हैं सिंपली डीपोलराइजेशन, यहाँ पर ये डिनोट करता है। ठीक है, उसके बाद हमारी वेव क्या है, क्यू आर एंड एस वेव। ये जो क्यू आर एंड एस वेव है ये क्या डिनोट करेगी, जब हमारे ऑरिकल्स कॉन्ट्रेक्ट कर जाते हैं तो उसके बाद में क्या आता है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रेक्ट करते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल आएगा, तो क्यू आर एस क्या डिनोट करता है, हमारे वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रेक्शन को डिनोट करता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोल सकते हैं हम इसे, या फिर इसी चीज को हम क्या बोल सकते हैं, वेव ऑफ कॉन्ट्रेक्शन वेंट्रिकल्स के पास जा चुकी है, वेंट्रिकल्स के पास चली गई है वेव ऑफ कॉन्ट्रेक्शन का, इसका मतलब क्या है, जो एक्शन पोटेंशियल था वो एक्शन पोटेंशियल वेंट्रिकल्स के पास चला गया है, वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं, डीपोलराइज हो चुके हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। ठीक है, जैसे ही हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में हमारे ऑरिकल्स भी और जो हमारे वेंट्रिकल्स है वो दोनों ही क्या चले जाते हैं, रिलैक्स स्टेट के अंदर चले जाते हैं। ये जो हमारी टी वेव है, टी वेव क्या शो करती है, रिलैक्स स्टेट को शो करती है, यानी कि हम बोल सकते हैं जो रिलैक्सेशन पीरियड है वो रिलैक्सेशन पीरियड क्या होता है, हमारा टी वेव है। ठीक है, इसी चीज को हम रिपोलराइजेशन बोल सकते हैं, इसे ही हम क्या बोल सकते हैं, रिपोलराइजेशन बोल सकते हैं। तो ईसीजी में हमारे पास में ग्राफ होता है, ठीक है, एक पेपर के ऊपर हम या फिर हम बोल सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ये ग्राफ को ड्रॉ किया जाता है। ये ग्राफ क्या शो करता है, हमारे पास डिफरेंट टाइप की वेव्स होती है, पी क्यू आर एस टी वेव। पी वेव क्या डिनोट करती है, ऑरिकुलर सिस्टोल, जब ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्यू आर एस जो टाइम इंटरवल है, क्यू आर एस टाइम इंटरवल क्या शो करेगा, हमारे वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनके बारे में, यानी कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल या डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स हम इसे बोल सकते हैं। उसके बाद हमारी टी वेव आती है, टी वेव क्या शो करेगी, हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं वो रिलैक्स स्टेट के अंदर जा चुके हैं, ऑरिकल्स ऑलरेडी रिलैक्स स्टेट में थे टी वेव में, और कहाँ आ गया, वेंट्रिकल्स भी
रिलैक्स स्टेट के अंदर आ गए तो हम इसे बोलेंगे रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, या फिर कम्प्लीटली हम इसे क्या बोल सकते हैं, रिलैक्सेशन स्टेट बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास में हो गया ईसीजी के बारे में। अब हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, वो क्या है, हार्ट से रिलेटेड कौन कौन से डिजीज हो सकती हैं, और साथ में एक बचा हुआ है लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या था, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड्स में हमारे पास दो टाइप के फ्लूइड थे, फर्स्ट वन इज ब्लड एंड सेकंड वन इज लिम्फ। ब्लड के बारे में हमने इसी चैप्टर में स्टार्टिंग में पढ़ा था, इसके ऊपर ब्लड के ऊपर हमारे पास दो वीडियोस प्रेजेंट हैं, ठीक है, दो वीडियोस अवेलेबल है, अपलोड कर दी गई है दोनों ही यूट्यूब चैनल पे। अब ये हमारे और कुछ छोटे टॉपिक्स हो गए हैं। अगर आपको इस चैप्टर के अंदर अभी तक कहीं पर भी डाउट आता है तो आप उनसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आई मीन समझ आ रही है, पसंद आने का मतलब है कि आपको वीडियो समझ में आनी चाहिए, ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।